लगभग 8 दिन पहले फाइनटेक गाइड ने इस चैनल पर एक शॉर्ट अपलोड किया था, जिसमें यह बताया गया था कि 25 नवंबर को IRDA बोर्ड की मीटिंग है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। आज वो दिन आ गया जिसका सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, ब्रोकर्स को, एग्रीगेटर्स को बेसब्री से इंतजार था। कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन सभी फैसलों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैनेजमेंट के खर्चों पर कैपिंग है, अर्थात जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो सभी एक निश्चित दायरे के अंदर ही खर्च कर पाएंगे, और उन्हीं खर्चों से जितने भी अपने मैनेजमेंट के खर्चे हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जिसमें कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के कमीशन भी शामिल है, उसके अंदर एक कैपिंग लगाया है। इसका क्या प्रभाव होगा उसको डिटेल्स में समझेंगे। पहले वो आप शॉर्ट देखिए जिसको हमारी टीम ने इस चैनल पर अपलोड किया था। 25 नवंबर 2022 इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक विशेष दिन है। IRDA की एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा जो 10-11 सुझाव दिए गए हैं जिनको निकट भविष्य में IRDA लागू करने वाली है, उस पर विचार, उस पर मंथन के लिए 25 नवंबर को IRDA बोर्ड की मीटिंग है। इन 10-11 सुझावों में जो दो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव हैं उनमें एजेंट्स के कमीशन को कम करना और मैनेजमेंट के खर्चे को कम करना, इस पर भी विचार होगा। जैसे ही किस तरह का कोई निर्णय होता है या इस पर क्या विचार होता है, फाइनटेक गाइड की टीम इस चैनल पर उसको अपलोड करेगी। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के साथ लगातार बने रहें। विभिन्न सूत्रों से हमें बोर्ड मीटिंग की जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि उनकी कंप्लीट प्रेस नोट आ जाए, उसके बाद हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। और आज पूरी कंप्लीट प्रेस नोट आने के बाद हम लोगों ने इस वीडियो को इस चैनल पर अपलोड किया है। और आप एक चीज़ याद रखें, अभी हाल ही में LIC ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है, 955 नंबर, न्यू जीवन अमर। इसमें भी एडवाइजर्स के कमीशन को ज़्यादा रखा गया है, यहाँ तक कि जो उनके सिंगल प्रीमियम है उस पर भी 4% कमीशन है और रेगुलर प्रीमियम पर भी बहुत अधिक कमीशन रखा गया है। तो ये इस फैसले का ही असर है उस पर, और निश्चित रूप से आगे भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए अच्छे दिन और भी आने वाले हैं। लेकिन और भी जो परिवर्तन जो प्रपोज्ड हैं IRDA के पास, चाहे वो बीमा सुगम लॉन्च करने की बात हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात हो, वो सारे अभी प्रपोज्ड हैं और निश्चित रूप से वो होंगे, तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। तो ये जो चैनल है ये निश्चित रूप से आपके सुंदर भविष्य में आपकी सहायता करेगी। टेक्निकल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, किस प्रकार से IRDA के रेगुलेशंस आपके फेवर में काम करें, इसके अनुकूल बनाने के लिए, उनको अडेप्ट करने के लिए इस चैनल पर वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो आपसे मेरा अनुरोध है, हमारी टीम का अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इंश्योरेंस सेक्टर में अपने आप को सबसे आगे रखें। ये देखिए, ये IRDA की प्रेस नोट है, इसमें जो विभिन्न निर्णय लिए गए हैं ये सारे यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं, किन विषयों पर चर्चा हुई, ये पूरी कंप्लीट प्रेस नोट है। इनमें बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं जिनमें इंश्योरेंस कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में कुछ बदलाव किए गए हैं, टाई अप लिमिट्स को बढ़ाया गया है, 309 किया गया है, कंपनियों की को जो पूंजी जुटाने की जो एक सिस्टम थी, एक प्रणाली थी, उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे कि वो आसानी से काम कर सकें। सॉल्वेंसी नॉर्म्स में भी कुछ बदलाव लाए गए हैं, इंश्योरेंस कंपनियों के लिस्टिंग में भी कुछ राहत दी गई है जिससे कि अधिक से अधिक इंश्योरेंस सेक्टर में पेनिट्रेशन हो सके, इंश्योरेंस का बाजार बड़ी हो सके, इसके लिए ये प्रयास किए गए हैं। साथ ही इस बोर्ड मीटिंग में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ इंश्योरेंस के मिलन को भी मंजूरी दी गई है। तो ये सारे फैसले इसमें लिए गए हैं जो कि जो कस्टमर्स हैं उनके हक में हो, कस्टमर्स के लिए फायदेमंद हो, लाभकारी हो, हितकारी हो। लेकिन इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, जो हमारे लिए काम की है, आपके लिए काम की है, जो पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए काम की है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया है वो है, ये देखिए, एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑन एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट रेगुलेशन एंड कमीशन रेगुलेशंस। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जो निश्चित रूप से इंश्योरेंस सेक्टर के आगे के भविष्य को और इंश्योरेंस एडवाइजर्स के आगे के भविष्य को दिशा देने का काम करेगा। तो निश्चित रूप से ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले
यह कहा गया था कि एजेंट्स के कमीशन को 20% तक कैप किया जाएगा, अर्थात 20% से अधिक कमीशन एजेंट्स को नहीं दी जाएगी। तो IRDA ने एक सही दिशा में एक कदम उठाया है कि एजेंट्स की कमीशन को कम नहीं किया है, उस फैसले को बदल दिया गया और एक नया फैसला लागू किया गया, एक नया ड्राफ्ट दिया गया, जिसमें कि यह कहा गया है कि एक पूरी जो खर्च है, एक कंपनी का जो पूरा एक्सपेंस है, उस पर एक कैप लगा दिया गया, अर्थात उसी खर्च के अंदर ही आपको एजेंट्स का कमीशन भी देना है, आपको अपने खर्च भी करने हैं, जो आपके खर्च हैं, आपके जो प्रोसेसिंग से लेकर और भी जितने भी खर्च हैं किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी पर, तो वो सारे खर्च पर एक कैपिंग लगाया गया है कि इतने के अंदर ही आपको वो सारे करने हैं। अब ये कंपनियों के ऊपर डिपेंड होगा कि वो अपने एजेंट्स को क्या कमीशन देते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो है कंपनी पर डाल दी गई हैं। IRDA ने एक सही दिशा में कदम उठाया है, क्योंकि उसे भी लग रहा था विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न माध्यमों से उन्हें जो प्रपोजल्स मिल रहे थे, उन्हें जो सजेशंस मिल रहे थे, उन सजेशन के आधार पर उन्होंने ये सोचा कि जो एजेंट इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी भागदौड़ करके एक पॉलिसी उठाते हैं, पॉलिसी क्लोज करते हैं, तो उनकी मेहनत को भी देखा जाए और इस कारण सारी जिम्मेदारी, सारे खर्च का जो बोझ है वो एजेंट्स के ऊपर ना डालकर एक कंपनी के ऊपर डाल दिया गया, जिससे कि कंपनी उसको मैनेज कर सके कि किस तरह से वो अपने खर्च को मैनेज करते हैं, किस तरह से अपने खर्च को मेंटेन करते हैं, किस तरह से एजेंट्स को कमीशन देते हैं और अपने खर्चे को कंट्रोल करते हैं। तो एक तरह से ये सारी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर डाल दी गई और एजेंट्स के ऊपर से बोझ को कम किया गया। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि एजेंट्स का कमीशन फिलहाल कम नहीं होने वाला है। और जो एजेंट्स ये हवा बनाए हुए थे, कुछ लोगों ने ऐसा प्रचार कर दिया कि इंश्योरेंस सेक्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोज़ में कहा था कि आने वाला जो भविष्य है एजेंट्स के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, वो बहुत ही उज्जवल होगा। और आज मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि जो आने वाला भविष्य है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से आप घर घर घूम कर काम करते थे, अब आप ऑनलाइन सारे काम कर पाएंगे, कमीशन हो सकता है उससे थोड़ा बढ़कर मिले या अगर उतना ही मिले, और अगर कम भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है। आज जिन लोगों ने डर से काम करना छोड़ दिया है उसका कमीशन जीरो है, लेकिन जिन लोगों ने काम किया, जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, उनको लगातार कमीशन भी मिल रहे हैं। अगर आप काम छोड़ देते हैं तो आपका कमीशन जीरो है, अगर 15% भी कमीशन हो जाता है, 10% भी कमीशन हो जाता है, और अगर आप काम करते हैं तो आपको तो कमीशन मिलेगा ही, आपको पैसे मिलेंगे। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो काम करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन के अनुकूल अपने आप को ढालने का प्रयास करें। यदि परिवर्तनों के अनुकूल अपने आप को आप नहीं ढालेंगे तो निश्चित रूप से आप पीछे रह जाएंगे, और जो लोग इनके अनुकूल अपने आप को ढाल लेंगे वो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो परिवर्तनों के अनुकूल अपने आप को ढालने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये कैपिंग किया गया है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं उनके लिए 30-35% तक के खर्चों का कैपिंग किया गया है। इन्हीं परसेंट के अंदर ही जो प्रीमियम है उसके 30-35% के अंदर ही उनको सारे खर्च करने होंगे, और उसी में एजेंट्स के कमीशन और अपने खर्चे सारे को उसी के अंदर कैपिंग करना होगा। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का के ऊपर कुछ ज़्यादा बोझ नहीं डाला गया है, पिछले जैसे पहले थी उसी तरह से है, लेकिन 70% के अंदर ही वो सारे एक्सपेंस रखने होंगे और 30% का कैपिंग किया गया है। तो इसी के अंदर ही वो उनको सारा खर्च करना होगा और इसी के अंदर ही उनको अपने एजेंट्स को कमीशन भी देना होगा। तो सारांश ये है कि 2 अगस्त 2022 को जो निर्णय IRDA ने जो प्रपोजल दिया था एजेंट्स के कमीशन को 20% तक कैपिंग करने का, उस निर्णय को बदल दिया गया है। चाहे वो एजेंट्स के संगठनों का दबाव हो या विभिन्न स्रोतों के माध्यम से मिल रही जानकारियां हों, जो प्रपोजल्स हों, चाहे जो भी कारण रहा हो, IRDA ने अपने उस फैसले को बदल कर एक बहुत ही सुनियोजित और एक अच्छा फैसला, एक अच्छा निर्णय लिया है कि वो सारा जो खर्चे का जो एक बोझ है वो कंपनी के ऊपर डाल दिया गया कि किस तरह से वो उसको मैनेज करते हैं, किस तरह से वो मेंटेन करते हैं। और उम्मीद है कि ये जो नया निर्णय है, जो नई ड्राफ्ट है, ये रेगुलेशंस 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगी और 1 अप्रैल 2023 से पूर्ण रूप से ये काम करना शुरू कर देगा, और इसी के अनुरूप ही एजेंट्स को कमीशन और कंपनियों के खर्चे को कैपिंग किया जाएगा। अंत में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नकारात्मकता से दूर रहें, सकारात्मक सोच रखें और मेहनत और लगन के साथ काम करते रहें। निश्चित रूप से सफलता आपको हाथ लगेगी, आप निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो सकारात्मक सोच रखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, और जो नकारात्मक सोच रखते हैं वो केवल सोचते रहते हैं, और जितना ज़्यादा सोचते हैं उतनी ही नकारात्मकता उनके अंदर आती जाती है और वो पीछे रह जाते हैं। तो सकारात्मक सोच रखें,
लगातार काम करते रहें और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंश्योरेंस सेक्टर में आप सबसे आगे रहें। थैंक यू।